दोस्तों पुनः स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ जानकारी आपको देंगे और बीएड से संबंधित भी कुछ जानकारी देंगे। तो पहली जानकारी जो है यूपी टेट और सी टेट में जो नंबर आपको मिलते हैं वो नंबर भी अब मेरिट में जोड़े जाएंगे। अगर आपको शिक्षक बनना है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनना है, तो टेट और सी टेट का एग्ज़ाम भी आपको बहुत ही सावधानी से देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइंग नहीं रह गया है, इसके नंबर आपकी मेरिट में जोड़े जाएंगे, जिसको आप सुपर टेट बोलते हैं, यानी कि टेट प्लस सुपर टेट दोनों मिलाकर ही आपकी मेरिट बनेगी शिक्षक भर्ती के लिए। और दूसरी न्यूज़ ये है कि बीएड के पहले चरण की काउंसलिंग समाप्त हो गई है, 50% लोग अनुपस्थित थे, केवल 50% लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, बाकी 50% लोग अनुपस्थित थे। दूसरे चरण की काउंसलिंग का प्रोग्राम में परिवर्तन किया गया है, क्या परिवर्तन किया गया है ये आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली न्यूज की, शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी के अंकों को मेरिट में जोड़ा जाएगा। और ये न्यूज आ रही है बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए टीईटी के अंकों को भी मेरिट में जोड़ा जाएगा। सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग का जो मसौदा तैयार किया है उसमें TET और CTET में 1/4 अंकों को जोड़कर मेरिट बनाने की बात कही गई है। 1/4 अंक आपके इसमें जोड़ दिए जाएंगे जो अंक आपको मिलेंगे CTET में और TET में। अगर जो भी आपको क्वालिफाइंग है, अगर आपने CTET क्वालिफाई करके एग्जाम दे रहे हैं तो CTET के 1/4 अंक इसमें जोड़े जाएंगे, अगर आप TET क्वालिफाई करके दे रहे हैं तो TET के 1/4 अंक इसमें जोड़े जाएंगे। इससे पहले 68,500 सहायक अध्यापक में TET और CTET को सिर्फ क्वालिफाइंग माना गया था और उसके अंक मेरिट में शामिल नहीं किए गए थे। 68,500 भर्ती में हाई स्कूल इंटर स्नातक और प्रशिक्षण यानी कि BTC के प्राप्तांक का 10% अंक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में प्राप्तांक का 60% लेकर मेरिट बनाई गई थी। 69,000 सहायक भर्ती में भी यही फार्मूला लागू किया गया था, लेकिन भविष्य की अब जो भर्तियाँ होंगी उसमें जो है ये फार्मूला लागू नहीं किया जाएगा। वहाँ पर 1/4 आपके टेट के नंबर रहेंगे प्लस सुपर टेट के नंबर रहेंगे, सुपर टेट के नंबर इसमें आपके जोड़ दिए जाएंगे तब जाकर आपकी मेरिट बनेगी। आइए दूसरी न्यूज देखते हैं, बीएड से संबंधित न्यूज देखते हैं। बीएड काउंसलिंग का पहला चरण पूरा हो गया है, 50% अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा इसमें, बाकी 50% जो थे वो अनुपस्थित थे और देर शाम तक 50% अभ्यर्थियों ने ही प्रक्रिया में हिस्सा लिया, क्योंकि कई केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम अभी जारी नहीं हो सके हैं। ऐसे अभ्यर्थी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन नंबर में संपर्क साध रहे हैं। इनकी समस्या का समाधान के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 28 जून से 8 जुलाई तक होने वाली पूर्ण काउंसलिंग में इन्हें शामिल किया गया है। ये बहुत ही बड़ा नुकसान है कि जो विश्वविद्यालयों को रिजल्ट नहीं जारी किया गया है तो जो यहाँ पर छात्र अच्छी मेरिट लेकर आए हैं उनको भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, उनको या तो खराब कॉलेज मिलेगा या हो सकता है प्राइवेट कॉलेज उनको लेना पड़ जाए, तो और उनको पूल काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। पहले चरण के छूटे अभ्यर्थियों को शामिल होने का मौका दिया जाएगा पूल काउंसलिंग में, और दूसरी जो काउंसलिंग है उसकी जो शेड्यूल है जारी कर दिया गया है। बीएड प्रवेश परीक्षा के समन्वयक जो हैं प्रोफेसर BR कुकरेती ने बताया कि काउंसलिंग के प्रथम चरण में 2.12 लाख रैंक तक के अभ्यर्थियों को मौका मिला, 2,12,000 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, करीब 95,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरे चरण के पंजीकरण 15 जून से शुरू होने थे लेकिन अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए 13 जून से शुरू करा दिया गया है। 13 जून से ही सेकंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 13 जून के बाद। 16 से 18 जून तक काउंसलिंग की फीस जमा कर सकेंगे, 19 से 21 जून तक वरीयता क्रम में कॉलेज का चयन कर सकेंगे, 22 से 24 जून तक अभ्यर्थियों को चयनित कॉलेज बदलने पूरी फीस जमा कर सीट लॉक करने का मौका मिलेगा, 24 से 27 जून तक तकनीकी कारणों की वजह से फांसी फीस सही करा सकेंगे, इसके बाद 28 जून को कॉलेज आवंटन पत्र जारी हो जाएगा आपको। तो ये है पूरा प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी, तो आप लोग तैयारी कर लीजिए। और जिन छात्रों का रिजल्ट अभी अवेटेड है और उनकी मेरिट अच्छी है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए था, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कि जल्दी से उनका रिजल्ट आ जाए और वो कम से कम सेकेंड काउंसलिंग या फिर पूल काउंसलिंग में शामिल हो सकें। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट जो बीएड से संबंधित थी और शिक्षक भर्ती से संबंधित थी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में एक नए वीडियो के साथ।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।